नमस्ते स्टूडेंट्स, खुश हो गयो। आई देवेंद्र, डॉक्टर नरेंद्र सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जयपुर, क्लिनिकल कंसल्टेंट इंश्योरेंस आरोग्य सलाह, ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जयपुर। In today's class, we discuss about योग्य विद्यता यानी योग्य सूत्रता में एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। In today's class, we will start the topic of Kshar Karm. This is the important parasurgical procedure of Ayurveda ancient surgery. This whole manuscript is described in the Sushruta Sthan, chapter number 21, named Sharpak Vidyata. Let's begin with Kshar Nirukti. Tat Ksharnath Sharnath Vakshar. जैसे मांस आदि के शरण मतलब काटने तो त्वचा मांस आदि के शरण करने वाले कार्य का क्षार कहा जाता है। क्षरनाथ दुष्ट तक मांस चलनाथ सातनाथ इतरते हैं शरणाथ शरणाथ क्षार दूषित मांस आदि के शरण काटने तो त्वचा मांस आदि का शरण करने के कार्य क्षार कहा जाता है। शरणनाथ दुष्ट तक मांस आदि चलना सात नाथ करते हैं नंबर 4 में डल ने बताया। शरणनाथ तक मांस आदि हिंसनाथ विक्वा विक्वा स्यात् अंक्षार शरित्वात्तद्ध चरक दुष्ट त्वचा मांस आदि स्वस्थान से दूर करता है साधन करता है उसे क्षार कहते हैं। क्षार प्रयोग करने पर वह शरीर के भीतर गहराई तक जाकर दूसरे दांतों का क्षरण करता है। क्षार प्रशस्ति शस्त्र क्षार प्रदान तमें छेद्य वेदी लेख्य करणनाथ त्रिदोषक अनुवाद विशेष क्रिया अवचारनाथ शस्त्र अनुशस्त्र अपेक्षा क्षार को अधिक प्रदान माना जाता है क्योंकि छेद वेदन लेखन आदि शस्त्र कम करने के कारण तथा त्रिदोष नाशक होने के कारण श्रेष्ठ है। जिन स्थान में शस्त्र के द्वारा चिकित्सा करना संभव नहीं है तो वहाँ क्षार की सहायता से चिकित्सा की जा सकती है।
विशेष क्रिया अतिरिक्त चार को प्रधान माना गया है। भागवत के अनुसार सभी शस्त्र शस्त्र में चार श्रेष्ठ, क्योंकि जिस स्थान में शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता ऐसे विषम स्थान में भी छेदन भेदन पाटन आदि शस्त्रक्रम के द्वारा शस्त्र के द्वारा किए जा सकते हैं। साथ ही जो व्याधि शस्त्रक्रम के द्वारा साध्य नहीं होते ऐसे अतिकृच्छ व्याधियों में जैसे गुल मुदर आदि अभ्यंतर पान करने का उपदेश किया गया है। क्षार वर्णन नाना औषधि समवायता तस्य सोमस्यापि सतो अदयन पचन धारण आदि शक्ति ही रुद्धा से खल्व आग्ने औषधि गुण भूत कटुक है। तो उष्ण तीक्ष्ण पाचनो पीयन शोधन रोपण शोषण स्तंभनो लेखन कमी आम पुष्ट विष्ट साम उपन्ता उपन सत्व इत्यादि सेवित है। अनेक औषधियों के संयोग से निर्मित होने के कारण क्षार दोष नाशक होता है। श्वेत वर्णी सौम्य होता है, हालांकि सौम्य स्वभाव का होता है तथापि ध्यान पाचन धारण ये शक्तियां प्रतीत होती है। कठोर सूक्ष्म वीर तीक्ष्ण गुणात्मक वर्ण स्रोत पाचक गुण विलयन दुष्ट वर्ण शोधक शुद्ध वर्ण रूपक वर्ण के निता शोषक रक्त स्तंभक मांस आदि लेखन कृमि आम दोष कफ कुष्ठ मेदो वृद्धि नाशक है, किंतु अधिक मात्रा में सेवन करने पर पूर्ण सत्व नाशक भी होता है। चार प्रकार स्व द्विदेह प्रतिसारणीय पानीयश्च सुसुत के अंतर के निम्न दो प्रकार होते हैं प्रतिसारणी और पानी है बाह्य परिमार्जन और अंत परिमार्जन। प्रतिसारणी अंतर तीन प्रकार के होते हैं मृदु मध्यम तीक्ष्ण। प्रतिसारणीय पानी बाह्य परिमार्जन अंतर परिमार्जन मृदु मध्य तीक्ष्ण। प्रतिसारणीय बाह्य चिकित्सा प्रयोग में लाया जाता है जैसे व्रण पर प्रतिसारण करना पानी सार यकृत प्लिया गुण आदि विकारों में अभ्यंतर पाना और उपयोग में लाया जाने सार दो प्रकार के तो बाह्य अंतर परिमार्जन अष्टांग संग्रह में क्षार के दो प्रकार के तो बाह्य परिमार्जन और अंतर परिमार्जन। प्रतिसारण क्षार प्रयोगार्थ व्याधि कुष्ठ किटिब दृदु मंडल किलाब बगंतर अर्बुदर दुष्ट वर्ण नाड़ी चर्म की तल कालक नच व्यंग मसक वायु दृदि कृमि विष जीवा कुश दंत वेदर तीन प्रकार की रोनी सात प्रकार के मुख रोग में प्रतिसारण क्षार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन व्याधि में शस्त्र का उपयोग करने का निर्देश किया गया है। पानी क्षार प्रयोग योग्य व्याधियां कृमि विष गर्विष गुल्म उदर अग्निसंग अजीर्ण रोचक आना सर्गंधि कृमि विष वर्ष आदि व्याधियां पानी क्षार का उपयोग किया जाता है। पानी वर्ज्य व्यक्ति रक्त पित्त ज्वर पित्त प्रकृति बालक वृद्ध दुर्बल व्यक्ति में तथा ब्रह्म अध्य मूर्छा और तिमर आदि व्याधि से पीड़ित गुणों में पानी सार अहित कर होते हैं। पानी सार का प्रयोग वर्ज है। तो स्टूडेंट इस सेशन में आपको सार का परिचय दिया गया, सार की नियुक्ति, सार के प्रकार, सार क्षार व्याधियों का पानी सार व्याधियों का इंडिकेशन और उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन उसके पास वर्णन किया गया है। इसी प्रकार प्रतिसारणी सार का इंडिकेशन है।
satisfied with the digital session. If you have any doubts and queries, comment in mention comments, so I'll be sure to read it soon. Thank you.